हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे। और आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ नर्सेज टेक ऑनलाइन, उसमें एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो क्या होता है डिजीज़, इसके सिम्टम्स, टाइप्स, कॉजेज, एवरीथिंग हम लोग इसका डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आज का अपना सक्सेस मंत्र क्या है डियर? कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। हम हमेशा हंसते रहो और मोटिवेटेड रहो आपका जो भी गोल है, टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए डियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है डियर? जब हार्ट जो है पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? हार्ट फेलियर कहा जाता है। इट मीन्स इफ हार्ट इज अनेबल टू पंप adequate blood to vital organs that results into pulmonic or systemic congestion इट इज़ नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डियर। तो डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? जब हार्ट पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता है वाइटल ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से पल्मोनिक या फिर सिस्टमिक कंजेशन डेवलप हो जाता है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे डियर? हार्ट फेलियर की कंडीशन कहा जाएगा। ठीक है, अब ये पल्मोनिक और सिस्टमिक कंजेशन क्या है ये भी आगे हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले समझते हैं कि जो हार्ट है ब्लड पंप कितना करता है डियर? हार्ट जो है ब्लड पंप कितना करता है नॉर्मल फिनोमिना में जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करता है? तो ध्यान रखना, ईच वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल यानी हर एक वेंट्रिकल अपने आप में क्या करता है डियर? 70 ml ब्लड एक बीट के अंदर पंप करता है। और एक बार में जो है हार्ट एक मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर जो है 72 से 75 के आसपास जो है, अपन लोग 75 मान लेते हैं, 75 बीट बार टाइम बीट करता है। तो यहाँ पे टोटल जो है ब्लड पंप करेगा एक वेंट्रिकल, दैट इज 5 लीटर, 5000 ml के अप्रोक्स होगा, विच इज 5 लीटर पर मिनट। इट मीन्स हार्ट का जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है दोनों ही क्या करते हैं डियर? 5 लीटर ब्लड एक मिनट के अंदर पंप करते हैं। राइट वेंट्रिकल जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पंप करता है। तो अगर ये 5 लीटर ब्लड जो जिसे हम लोग बोलते हैं डियर कार्डियक आउटपुट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट, अगर ये पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाए तो ऑर्गन्स में क्या होगा? ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से कंजेशन डेवलप होगा। और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज पल्मोनिक और सिस्टमिक कंजेशन। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डियर क्या होता है कि जैसे हम लोग एक सिंप्लीफाइड डायग्राम से समझते हैं। तो मैं डायग्राम को एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बॉक्स नुमा होता नहीं है एक्चुअली। यस डियर, तो दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब चूंकि हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होती है डियर? अओर्टा अराइज होती है। क्या अराइज होती है डियर? अओर्टा। यस, और अओर्टा किसको सप्लाई करेगी? अओर्टा पूरी बॉडी सिस्टम को सप्लाई करेगी। किसको सप्लाई करेगी? पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। और पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो वापिस हार्ट तक पहुंचता है वाया सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, वाया सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। कहाँ पहुँचता है? आपका राइट एट्रियम में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा जो ब्लड है वो कहाँ पहुँच जाता है डियर? राइट एट्रियम में पहुँच जाता है। और इस सर्कुलेशन को अपन किस नाम से जानते हैं डियर? इट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। यस डियर, सेकेंड बात करते हैं हम लोग, जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है, तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को कहाँ सप्लाई करता है डियर? लंग्स में सप्लाई करता है। कहाँ सप्लाई करता है? लंग्स के अंदर सप्लाई करता है पल्मोनिक आर्टरी के थ्रू, यानी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यस डियर, और पल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग से दो दो पल्मोनरी आर्टरी, यानी टोटल 4 पल्मोनरी वेन दोनों लंग से दो दो पल्मोनरी वेन वापिस ब्लड को लाती है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये वापिस ब्लड कहाँ आ जाता है डियर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है वाया 4 पल्मोनरी वेन। तो यहाँ लिख सकता हूँ पल्मोनरी वेन के द्वारा ये ब्लड वापिस आ जाता है डियर। और इस सर्कुलेशन को अपन लोग जानते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी
सर्कुलेशन। यस डियर, तो ये होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस तरीके से इधर से ब्लड जा रहा है, लंग से वापस रिटर्न इस तरीके से आता है। ये हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta में, aorta से बॉडी टिश्यूज में, और बॉडी टिश्यू से इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है। दीज आर टू सर्कुलेशन विच इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब एक चीज समझते हैं हम लोग, अगर सोचिए किसी पर्सन के अंदर राइट वेंट्रिकल क्या हो जाए डियर, फेलियर हो जाए। क्या फेलियर हो जाए? राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाए डियर। तो अब राइट वेंट्रिकल इधर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जो कि नॉर्मली कितना कर रहा था, 5 लीटर पर मिनट कर रहा था। अब ये ब्लड इधर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड कहाँ से आ रहा था डियर? याद ध्यान करो, यहाँ पे ब्लड आ रहा है ट्राइकस्पिड वाल से होते हुए राइट एट्रियम से आ रहा है, और राइट एट्रियम में कहाँ से आ रहा है? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर किसी पेशेंट में राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा डियर, राइट हार्ट फेलियर होगा, तो जो कंजेशन है वो कंजेशन कहाँ पे बढ़ेगा डियर? सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या बढ़ेगा? कंजेशन बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा डियर? सिस्टमिक कंजेशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे प्री लोड बढ़ेगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से प्री मतलब पहले, यानी पहले जो है लोड इंक्रीज हो जाएगा, राइट एट्रियम पे लोड इंक्रीज होगा, जो कि ब्लड यहाँ से आ रहा था वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ेगा, तो इस पूरे सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा डियर? कंजेशन डेवलप हो जाएगा, यानी यहाँ पे फ्लूड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज नोन एज सिस्टमिक कंजेशन। देन सेकेंड बात करते हैं डियर, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाए, क्या फेलियर हो जाए डियर? लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो जाए, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो जाए, उस केस में क्या होगा डियर? चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है एओर्टा में 5 लीटर पर मिनट ब्लड, अब सोचिए लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड है था वो बाइक स्पीड वाल के थ्रू कहाँ से आ रहा था? लेफ्ट एट्रियम पे, और लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आ रहा था? लंग्स से ब्लड आ रहा था। तो जब लेफ्ट साइड का फेलियर होगा तो कंजेशन कहाँ बढ़ जाएगा डियर? पल्मोनरी सर्कुलेशन में कंजेशन बढ़ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या होगा डियर? पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी कंजेशन डेवलप हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको, जब राइट वेंट्रिकल फेलियर होता है तो सिस्टमिक कंजेशन होगा, यानी सिस्टमिक यानी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में जहां से ब्लड आ रहा है उन सभी ऑर्गन में अफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो जो कंजेशन वो कहाँ होगा डियर? पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी लंग्स के अंदर कंजेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा डियर, यानी पल्मोनरी कंजेशन डेवलप होगा, तो सिम्टम्स किससे रिलेटेड आएंगे? अपने लंग से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, जैसे बात करें पल्मोनरी एडिमा, यस डियर, इसके अलावा वीजिंग साउंड, इसके अलावा क्रैकल साउंड, ये साउंड जो है सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी डियर, ध्यान रखना। पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा, वीजिंग और क्रैकल साउंड सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी लंग से रिलेटेड सिम्टम्स जो है अपने अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे डियर। डिसनिया होगा, अर्ली डिसनिया, यानी अर्ली डिसनिया होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो पल्मोनरी कंजेशन की वजह से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा डियर, तो राइट साइड के फेलियर में कंजेशन कहाँ रहा आपका? सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा में कंजेशन, यानी सिस्टमिक कंजेशन आएगा। तो सिस्टमिक मतलब लंग्स के अलावा जो पूरा सिस्टम है दैट इज सिस्टमिक। तो इसमें क्या होगा डियर? जनरल एडिमा यानी पैरों में और हाथों में, फेस के ऊपर क्या हो जाएगा? एडिमा डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा लीवर एनलार्जमेंट हो जाएगा। लीवर के अंदर क्या होता है डियर? पोर्टल सिस्टम होता है, और पोर्टल सिस्टम का पूरा ब्लड जो है वो लीवर में आता है, और लीवर से आता है इन्फीरियर वेना केवा में। तो अपन को पता है इन्फीरियर वेना केवा में ऑलरेडी कंजेशन है, तो लीवर से ब्लड यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, और नहीं पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा? लीवर एनलार्जमेंट उस पर्सन में हो जाएगा। इसके अलावा पर्सन का CVP एंड JVP इंक्रीज हो जाएगा डियर। CVP JVP पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो चेक कर लेना डियर। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर और जुगलार वीनस प्रेशर जो है किसका प्रेशर होता है डियर? इन्हीं सिस्टम का प्रेशर अपन नापते हैं डिटेल, इसको मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना डियर। तो CVP और JVP बढ़ जाएगा, क्योंकि कंजेशन कहाँ हो रहा है डियर? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में हो रहा है, और इन्हीं का प्रेशर नापना ही क्या कहलाता है? सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड जुगलार वीनस प्रेशर कहलाता है। तो जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्सन की जुगुलर वेन डिस्टेंड हो जाएगी, जुगुलर
वेन डिस्टेंशन, डिस्टेंशन हो जाएगी। तो इस तरीके के सिम्टम्स है वो क्या होंगे आपके जनरल सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएंगे, क्योंकि जुगलार वेन जो है वो अपना सुपीरियर वेना केवा में, जुगलार वेन ब्रेन का जो ब्लड है, ब्रेन और फेस का ब्लड जुगलार वेन लेके आती है और किस में डालती है डियर, किसके अंदर डालती है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर डालती है। और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ था आपका, राइट एट्रियम में आ जाता है। तो सोचिए जब यहाँ पे कंजेशन हो गया तो जुगलार वेन से आने वाला ब्लड भी इनके अंदर नहीं आ पाएगा, तो जुगलार वेन भी क्या हो जाएगी डियर, डिस्टेंडेड हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे साइन होंगे, वेट गेन हो जाएगा, जनरल एडिमा हो जाएगा, इस तरीके के सारे सिम्टम्स जो है इसके अंदर अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों टाइप होते हैं अपने अलग अलग टाइप के, यानी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो इतना से याद रखना है, राइट वेंट्रिकल फेलियर में जो कंजेशन वो कहाँ होगा डियर, राइट साइड के हार्ट फेलियर में कहाँ होगा, सिस्टेमिक। और लेफ्ट साइड के अंदर कहाँ होगा डियर, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, कंजेशन डेवलप हो जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के क्या क्या कारण होते हैं डियर। तो सबसे पहले बात करते हैं डियर मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है डियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लाइक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एंजाइना। और एंजाइना और MI पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यस, MI और एंजाइना की को अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उनका सबसे मुख्य कारण होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो वो अपन ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं। देन सेकेंड बात करते हैं, हाँ जब मैंने MI पढ़ाया था उस टाइम ये बताया था MI का जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज डिसरिदमिया, और सेकेंड कॉम्प्लिकेशन होता है वो कौन होता है डियर, हार्ट फेलियर होता है। तो ध्यान रखना MI का सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन कौन होता है, हार्ट फेलियर, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन कौन होता है, डिसरिदमिया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डियर। नेक्स्ट सेकेंड बात करते हैं डियर, सेकेंड जो कॉज होता है दैट इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज लाइक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यानी एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें डिफेक्ट हो जाए, या वेंट्रिकल के सेप्टम के बीच में डिफेक्ट हो जाए, कोई ओपनिंग बन जाए, उस वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। दीज आर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज। देन थर्ड बात करते हैं डियर थर्ड बात करते हैं वल्व्यूलर हार्ट डिजीजेज। यस, हार्ट के वाल की डिजीज हो जाए, हार्ट में चार वाल पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल, एओर्टिक वाल और पल्मोनिक वाल। उन चारों वाल में अगर स्टीनोसिस हो जाए डियर, स्टीनोसिस का मतलब वाल नैरो हो जाना, दूसरा रीगर्जिटेशन हो जाए, रीगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, और या फिर प्रोलैप्स हो जाए, और प्रोलैप्स का मतलब होता है डियर वाल बैक फ्लो होना, वाल उल्टे ओपन हो जाना। तो इसमें रीगर्जिटेशन के अंदर तो वाल क्या हो जाते हैं, इनसफिशियंट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड चला जाता है, जबकि प्रोलैप्स में वाल तो पूरे होते हैं, लेकिन वाल जब नीचे खुले और फिर वापस जब ब्लड वेंट्रिकल जब डायस्टोल होते हैं उस टाइम पे ये वापस ऊपर चले जाते हैं, जिससे ब्लड है वो वापस ऊपर की तरफ चला जाता है डियर। तो ये चीज़ कहलाता है प्रोलैप्स कंडीशन। और वल्वुलर हार्ट डिजीज के ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे डियर। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ बात, हाँ एक पॉइंट और, वल्वुलर हार्ट डिजीज चाहे वो स्टीनोसिस हो, चाहे रिगर्जिटेशन हो, चाहे प्रोलैप्स हो, इन तीनों में इंक्रीज हो जाता है डियर, इंक्रीज हो जाता है प्रीलोड। प्रीलोड क्या हो जाता है डियर, इंक्रीज हो जाता है, और प्रीलोड बढ़ेगा तभी तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज प्रीलोड, प्रीलोड इंक्रीज होने के कारण क्या होते हैं डियर, ध्यान रखना, इंक्रीज रिटर्निंग ब्लड टू एट्रियम, एट्रियम के अंदर अगर ब्लड इंक्रीज हो जाए, रिटर्न होने वाला, जैसा कि हम लोग बात करते हैं एक्सेसिव, एग्जाम्पल एक्सेसिव फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन। यस, इस केस में भी क्या हो सकता है डियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। यानी एक पेशेंट को सोचिए कि अगर किसी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है कि 2 लीटर RL या NS या DNS कोई भी फ्लूड चढ़ाया जा रहा है, वो उसको 4 से 6 घंटे में चढ़ाना है, लेकिन
क्या किया किया यहाँ पे रैपिड इन्फ्यूजन कर दिया, 1 घंटे में 2 लीटर फ्लूड चढ़ा दिया, तो वो सारा ब्लड कहाँ पे जाएगा, सिस्टमिक में जाएगा, जिससे जो है प्री लोड इंक्रीज हो जाता है डियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, एक्सेसिव फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन भी हार्ट फेलियर का कोज हो सकता है। इसके अलावा बात करें 5th नंबर पर बात करें तो अगर किसी पेशेंट को डियर मायोकार्डाइटिस हो जाए उस केस में भी हार्ट फेलियर हो सकता है। 6th नंबर पर बात करें डिसरिदमिया, डिसरिदमिया के केस में भी क्या हो सकता है डियर हार्ट फेलियर हो सकता है। 7th नंबर पे बात करें हार्ट ब्लॉक या फिर इसको एवी ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है डियर। तो जब ECG पढ़ेंगे उसके बाद में इस डिजीज को भी मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डियर। तो हार्ट ब्लॉक के केस में भी क्या हो जाता है, हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है। तो ये कुछ कॉजेज हो जाते हैं अपने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से रिलेटेड। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज इसके कारण की वजह से भी जो है हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। मोस्ट कॉमन कोज कौन होता है डियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है मोस्ट कॉमन कारण होता है डियर। तो ये सभी कारण होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर यानी रिस्क फैक्टर जो है क्या क्या हो सकते हैं डियर। तो इनको भी एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हार्ट फेलियर होने का कारण बन सकते हैं डियर। तो सबसे पहले बात करें, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ओबेसिटी, यस डियर। सेकेंड बात करें प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है, जब फीटस ग्रोथ करता है तो कंजेशन वहाँ पे डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो प्रेगनेंसी में भी हार्ट फेलियर प्रिसिपिटेट हो सकता है, एग्रीवेट हो सकता है डियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे अगर कोई पर्सन एक्सेसिव स्मोकिंग या एल्कोहल का कंजप्शन करता है उसमें भी हार्ट फेलियर के चांसेज जो है बढ़ जाते हैं, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर की तरह ये काम करते हैं। इसके अलावा कोई पर्सन जो है जिसके अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, B1 को क्या बोलते हैं डियर, थायामिन बोला जाता है, विच इज विटामिन B1, इसकी कमी से वेट बेरी बेरी सिंड्रोम हो जाता है। और अगर आपने वेट बेरी बेरी सिंड्रोम पढ़ा है डियर तो उसमें पढ़ा है कि उसमें हार्ट जो है अफेक्ट होता है और पर्सन को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बात करें किसी पर्सन को जो है डियर थायराइड जो है हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए उस कंडीशन के अंदर भी हार्ट फेलियर होने के चांसेज बढ़ जाते हैं डियर। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी हार्ट फेलियर के चांसेज उस पर्सन को इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं अपने पास में, जैसे ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, अल्कोहल, डिक्रीज विटामिन B1 यानी थायमिन की डेफिशिएंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये कुछ रिस्क फैक्टर बोल सकते हो या फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर इनको अपन बोल सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा बात करें जैसे सीवियर एनीमिया या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन, इस केस में भी क्या हो सकता है डियर, हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज ऑल आर प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ हार्ट फेलियर, इनकी वजह से भी हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। तो टाइप अभी हमने देखे, 2 टाइप तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, फर्स्ट वन इज राइट साइड फेलियर, सेकेंड वन इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो अगर किसी का राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा डियर, तो जैसा मैंने बॉक्स बना करके समझाया आपको, यस डियर, तो राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वो अगर फेल होगा तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड लेके जाता है, लेकिन फेल होगा तो यहाँ पे जहाँ से ब्लड आ रहा था डियर, कहाँ से ब्लड आ रहा था, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा था, यहाँ पे कंजेशन डेवलप हो जाएगा। तो जब राइट साइड फेलियर होता है तो डियर कंजेशन कहाँ होगा, सिस्टमिक कंजेशन कहाँ होगा डियर, सिस्टमिक कंजेशन डेवलप होता है। और जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा डियर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि aorta में ब्लड पुश करता था, अब ये पुश नहीं हो रहा तो प्रेशर कहाँ बढ़ेगा, आपके ये सेट्रियम में, और यहाँ पे ब्लड कहाँ से आता था, लंग से यहाँ पे ब्लड आता था। तो यहाँ पे कौन सा कंजेशन डेवलप होगा डियर, पल्मोनरी कंजेशन डेवलप होगा डियर।
वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी कंजेशन डेवलप होगा। तो जब राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो सिस्टमिक कंजेशन डेवलप होगा, और लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो डियर पल्मोनरी कंजेशन डेवलप होगा। और इनके जो सिम्टम्स पड़े थे हम अपन लोगों ने, तो दोनों ही से रिलेटेड सिम्टम की बात करें तो राइट साइड फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा डियर, तो क्या सिम्टम्स आएंगे? तो सबसे पहले यस लेग और फेस पर एडिमा होगा, और एडिमा कैसे होगा डियर? पिटिंग एडिमा। क्या होगा डियर? पिटिंग एडिमा डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा पर्सन के अंदर एसाइटिस हो जाएगा। एसाइटिस का मतलब होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूड इकट्ठा हो जाना। इसके अलावा पर्सन में क्या हो जाएगा डियर? प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन भी डेवलप हो जाएगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आता है, जबकि पल्मोनरी एडिमा जो है वो लंग्स के अंदर आता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ये सिस्टमिक का ही पार्ट अपने पास होता है डियर, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। इसके अलावा पर्सन के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा डियर यहाँ पे? चूंकि यस डियर, जब राइट साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है तो यहाँ पे जो कंजेशन है वो कहाँ डेवलप हो रहा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में कंजेशन डेवलप हो रहा है, तो उस वजह से एसाइटिस होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा, हिपेटोमिगेली हो जाएगा, हिपेटोमिगेली डेवलप हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा डियर, वेट गेन हो जाएगा। इस तरीके के सिम्टम्स जो है डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा डियर, तो पल्मोनिक सर्कुलेशन जो है अफेक्ट होगा, तो उस पर्सन को क्या होगा डियर? डिस्निया, डिस्निया डेवलप होगा डियर। इसके अलावा पर्सन को क्या होगा? वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड आएगी, क्रैकल साउंड आएगी, ठीक है। तो लंग से रिलेटेड साउंड जो है, लंग से रिलेटेड इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं डियर, डिस्निया, वीजिंग, क्रैकल साउंड जो है। मतलब कुल मिलाकर के हम लोगों को ध्यान क्या रखना है? राइट साइड का फेलियर हुआ, राइट साइड का फेलियर हुआ मतलब सिस्टमिक कंजेशन, और लेफ्ट साइड का हुआ मतलब पल्मोनरी कंजेशन। इनमें जो सिम्टम्स आते हैं तो उनकी ये लिस्ट है अपने पास में, इस लिस्ट को अपन लोग माइंड रखेंगे। तो आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देन पढ़ सकते हैं, सारे आप लोग समझ जाएंगे। राइट साइड के फेलियर में क्या होता है डियर? कंजेस्टिव कंजेशन, जबकि लेफ्ट साइड के फेलियर में क्या होता है? पल्मोनिक कंजेशन। तो सिस्टमिक कंजेशन में क्या होगा डियर? जुगलार वेन डिस्टेंशन, जो कि अब हम लोगों ने डेफिनेशन के टाइम पढ़ा, हाई CVP एंड JVP, फेस एडिमा, एंकल लेग एडिमा, बाउंडिंग पल्स, वेट गेन हो जाएगा चूंकि फ्लूड इकट्ठा हो रहा है बॉडी के अंदर। इसके अलावा हिपेटोमिगेली, स्प्लेनोमिगेली, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। पोर्टल हाइपरटेंशन के सिम्टम्स होते हैं इसोफेजियल वेरिसेज और कैपुट मेडुसाइनी, एब्डोमिनल एरिया की वेन जो होती है उभर जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज कैपुट मेडुसा। और इसके अलावा एसाइटिस हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये सभी पॉइंट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं डियर। इसके अलावा लंग्स में बात करें तो अर्ली जो ऑनसेट होगा वो क्या होगा डियर? डिस्निया जो है अर्ली ऑनसेट होगा, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड सिम्टम है। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, वीक थ्रेडी पल्स हो जाएगी, डिस्निया, साइनोसिस, वीजिंग, क्रैकल। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है जब पर्सन क्या होगा अचानक से सिटिंग पोजिशन से स्टैंडिंग पोजिशन में आता है तो उसको क्या होगा? BP डाउन हो जाता है, दैट कंडीशन इज ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया कहलाता है। और इसके अलावा हाइपर वेंटिलेशन पर्सन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सभी जो सिम्टम है वो किससे रिलेटेड डियर? पल्मोनरी कंजेशन से। और ये सभी जो सिम्टम है वो किससे रिलेटेड है? सिस्टमिक कंजेशन से रिलेटेड होते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं डियर, अगला जो टाइप होता है दैट इज प्रीलोड हार्ट फेलियर एंड आफ्टर लोड हार्ट फेलियर। तो अब ये क्या है थोड़ा सा इसको अपन लोग समझ लेते हैं। प्रीलोड का मतलब होता है हार्ट से पहले, और आफ्टर लोड का मतलब होता है हार्ट के बाद। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी दोबारा से वो बॉक्स बना लेते हैं। तो एक बॉक्स बनाते हैं अपन, कोई सा भी साइड का ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है किसमें डियर? एओर्टा में। किसमें जाता है? एओर्टा में। और यहाँ पे ब्लड आता है किससे? आता है डियर पल्मोनरी वेन से आता है डियर। ये लेफ्ट का लिया, राइट का भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, दोनों ही कंडीशन के अंदर अपन एग्जांपल ले सकते हैं। तो सोचिए अगर किसी पेशेंट के अंदर ये रिटर्निंग ब्लड है, यहाँ पे कंजेशन होना डेवलप हो जाए तो वो चीज़ क्या कहलाएगा? प्रीलोड। और दूसरा केस, यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या आउटा नैरो हो जाए, ठीक है डियर, तो उस वजह से हार्ट को पंप करने में ज़्यादा कठिनाई होगी, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? आफ्टर लोड कहेंगे। लोड का मतलब प्रेशर, पहले प्रेशर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब प्रीलोड, और बाद में प्रेशर ज़्यादा हो रहा मतलब आफ्टर लोड। हार्ट से पहले प्री, हार्ट के बाद आफ्टर लोड। तो प्रीलोड हार्ट फेलियर कब होगा डियर? यस डियर, व्हेन रिटर्निंग ब्लड टू हार्ट
और रिटर्निंग ब्लड कहाँ से आता है, हमेशा वेन से आता है डियर, ध्यान रखना। अगर लेफ्ट एट्रियम है तो किससे आएगा, पल्मोनरी वेन से, और राइट एट्रियम है, इसी के पास में राइट एट्रियम है, तो कहाँ से आएगा डियर, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है। तो जब वेन रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट स्ट्रेचेज वेंट्रिकल्स, दैट कॉजेज प्री लोड हार्ट फेलियर। और दूसरा, आफ्टर लोड हार्ट फेलियर कब होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें पंप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहां पे रेसिस्टेंस बढ़ जाए। तो वेन रेसिस्टेंस डेवलप इन आर्टीरियल सर्कुलेशन, इट इज नोन एज आफ्टर लोड सर्कुलेशन। सच एज एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि हाइपर टेंशन या फिर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, इन दोनों ही केस में जो है कौन सा फेलियर होगा डियर, आफ्टर लोड फेलियर होगा। और जब रिटर्निंग ब्लड ज्यादा हो जाए, तो जैसा कि एग्जाम्पल बताया था, मैसिव फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका रिटर्निंग ब्लड जो है वो ज्यादा आएगा। तो इस केस में जो है प्रीलोड फेलियर होगा, और इस केस में आफ्टर लोड फेलियर होता है डियर। तो ये दोनों टाइप आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो टाइप होते हैं, दीज आर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सिस्टोलिक वर्ड का मतलब क्या होता है डियर, सिस्टोलिक का मतलब कंप्रेस होना, और डायस्टोलिक का मतलब हार्ट रिलैक्स होना। सिस्टोल होता है जब ब्लड जाता है, और डायस्टोल होता है तो ब्लड वापस रिटर्न आता है एट्रियम के थ्रू। तो ये अगर कोई किसी पर्सन में हार्ट पंप नहीं कर पाए, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक फेलियर। और इनफ ब्लड रिसीव नहीं कर पाए, उसे क्या बोलेंगे अपन, डायस्टोलिक फेलियर के नाम से जानते हैं डियर। तो ध्यान रखना, एक चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, जैसे ये आपका दोबारा से हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, यस डियर, ये आपका क्या हो गया डियर, aorta। तो aorta के अंदर पर बीट कितना ब्लड जाता है डियर, 70 ml ब्लड जाता है। लेकिन 70 ml ब्लड जाने से पहले यहाँ पे ब्लड होता है डियर 120 ml। यस, जब वेंट्रिकल कंप्लीट डायस्टोल है, उसे हम लोग बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं डियर, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जब हार्ट पूरा रिलैक्स हो चुका है, उस टाइम पे वेंट्रिकल में कितना ब्लड है डियर, 120 ml ब्लड प्रेजेंट है। अब हार्ट एक बीट करेगा, तो बीट करते हैं, कितना ब्लड निकल गया, 70 ml ब्लड निकल गया। तो अब कितना ब्लड बचा, इसके बाद इसमें कितना ब्लड बचा डियर, इस पहले इतना ब्लड था, इतना पंप कर दिया, अब इसके बाद कितना ब्लड बचा, दैट इज 120 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा, 50 ml ब्लड बचेगा। यस डियर, बस 50 ml ब्लड बचेगा, दैट इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी सिस्टोल होने के बाद कितना ब्लड बचा, 50 ml, और डायस्टोल होने के बाद कितना ब्लड बचा, 120 ml। तो पूरा जब डायस्टोल है तो 120 है, 70 पंप कर दिया, और पंप करने के बाद कितना बचा, 50 ml बचा, विच इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब समझते हैं इस चीज को। अब सोचिए, किसी पर्सन के अंदर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या कहलाएगा, यानी जब पंप करता है उस टाइम 70 ml ब्लड नहीं जाए, 20 या 30 ml ब्लड ही जा रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, वेन वेंट्रिकल डू नॉट पंप एडिक्वेट ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोल। वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टोल के टाइम पे एडिक्वेट ब्लड पंप नहीं कर पाना, दैट इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। और अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो देखो, 120 ml शुरू में था, 70 ml पंप कर दिया, अब कितना बचा, 50। तो अब जब ये वापस रिलैक्स होंगे, तो वापस से इस वेंट्रिकल में लंग्स के थ्रू कितना ब्लड आ जाएगा डियर, 70 ml ब्लड वापस आ जाता है ड्यूरिंग डायस्टोल। तो 70 ही पंप किया और 70 ही वापस आ जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार जो है चलता रहता है डियर। अब सोचिए, ये 70 ml ब्लड, यानी हार्ट पूरा रिलैक्स ही नहीं हो पाए, 70 ml ब्लड आ ही नहीं पाए, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, व्हेन हार्ट अनेबल टू रिसीव एडिक्वेट ब्लड ड्यूरिंग डियर डायस्टोल।
ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के टाइम एडिक्वेट ब्लड नहीं प्राप्त कर पाए, उसे क्या बोलेंगे अपन, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। और सिस्टोल के टाइम पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाए तो उसे क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको एक्सप्लेन करना था। बाकी मेन जो टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। तो ध्यान रखना, राइट साइडेड फेलियर होगा तो सिस्टमिक कंजेशन, और लेफ्ट साइडेड फेलियर होगा तो पल्मोनिक कंजेशन डेवलप हो जाता है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से रिलेटेड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं डियर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, सॉरी अगर पर्सन को राइट साइड फेलियर है या फिर लेफ्ट साइड फेलियर, तो राइट फेलियर है तो डियर कहाँ होगा डियर, सिस्टमिक कंजेशन होगा। और लेफ्ट फेलियर है तो डियर पल्मोनिक कंजेशन डेवलप होगा। तो इसमें पल्मोनिक साइन आएंगे, इसमें सिस्टमिक साइन डेवलप हो जाएंगे। सिस्टमिक साइन मतलब एडिमा वगैरह डेवलप हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, ठीक है, एसआईटिस हो जाएगा, वो सब सिम्टम्स आएंगे। जबकि पल्मोनिक में पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पर्सन को कफिंग आएगी, डिस्निया डेवलप हो जाएगा, ठीक है, फ्लूड इकट्ठा हो जाएगा लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर, क्रैकल साउंड, वीजिंग साउंड, वो सभी सिम्टम्स जो है आएंगे। तो आपको पता लग जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन से कि पर्सन को कौन सा साइड का हार्ट फेलियर हुआ है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो है, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री से भी अपन आइडिया लगा सकते हैं, उसकी हिस्ट्री ली जा सकती है, फैमिली हिस्ट्री में अगर है तो ये पता अपन लगा सकते हैं डियर। नेक्स्ट बात करते हैं ईसीजी किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईसीजी में क्या चेंजेस आ जाएंगे, तो रैपिड एंड एबनॉर्मल ईसीजी, एबनॉर्मल ईसीजी विद वाइड QRS कॉम्प्लेक्स एंड एबनॉर्मल क्यू वेव। इस तरीके के जनरली सिम्टम्स जो है ECG के अंदर दिखाई देते हैं डियर। बट दिस इज नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो कौन सा होता है डियर, इको कार्डियोग्राफी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्पेसिफिक टेस्ट, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर। तो इकोकार्डियोग्राफी से अपन पता लगा लेते हैं कि कितना ब्लड जो है हार्ट पंप कर पा रहा है, उसी चीज का अपन पता लगाते हैं। तो इससे किस चीज का पता लगाते हैं डियर, इजेक्शन फ्रैक्शन का अपन पता लगा लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इजेक्शन फ्रैक्शन का अपन इससे पता लगा देते हैं। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, तो इस चीज को अपन समझ लेते हैं डियर। यस डियर, व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, यस डियर क्या होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक बीट में जो ब्लड पंप किया जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है डियर, 70 ml। तो परसेंटेज वाइज इस ब्लड को देखा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं डियर, इजेक्शन फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और इसको किससे देखा जाता है, इकोकार्डियोग्राफी, यानी यूएसजी ऑफ हार्ट या यूएसजी ऑफ चेस्ट के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को परसेंटेज वैल्यू में देखना क्या कहलाएगा डियर, इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है। अब कैसे निकालते हैं परसेंटेज वैल्यू, तो परसेंटेज निकालने के लिए तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 10 रुपये है, कितने रुपए है, 10 रुपए। आपने 10 रुपए में से क्या किया, 5 रुपए किसी को दे दिए, क्या किया, 5 रुपए आपने किसी को दे दिए। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं डियर, तो ध्यान रखना, 5 दिए कितने में से दिए, 10 में से दिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो कितना आ जाएगा डियर, 50% जो है आपने पैसे किसी को दे दिए। तो इसी तरीके से अपन क्या निकालते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो आपको रटना नहीं है, क्या करना है, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्या होता है डियर। यस, तो हार्ट के पास जब पूरा रिलैक्स था तो कितना ब्लड था, 120 ml, कितना ब्लड था डियर, 120 ml। और जब पंप किया तो कितना पंप कर दिया, 70 ml ब्लड पंप कर दिया। तो कितने में से पंप किया, 120 में से डियर। तो ध्यान रखना, 120 में से कितना पंप कर दिया, 70 ml पंप कर दिया, और इसको गुणा कर दो 100 से। यस डियर, तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा डियर, स्ट्रोक वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100 डियर। तो यही तो चीज हुआ, यानी 120 ब्लड था उसमें से 70 पंप कर दिया,
तो इसी तरीके से तो परसेंट निकालते हैं, जैसा एग्जांपल मैंने आपको बताया है, तो ये जो परसेंट निकालेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 58% के आसपास आएगा डियर। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो कि नॉर्मल कितना होता है डियर, ध्यान रखना 45-65% जो होता है नॉर्मल होता है। तो अब हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा डियर, ध्यान रखना, हार्ट फेलियर के पेशेंट में जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, इजेक्शन फ्रैक्शन है डियर, वो लेस देन 45% हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना परसेंट से कम हो जाएगा डियर, 45% से कम हो जाएगा। किस केस में, हार्ट फेलियर के केस में, यानी ब्लड पंप ही नहीं कर पाएगा, इट मीन स्ट्रोक वॉल्यूम उतना बराबर मात्रा में नहीं जा पाएगा। तो इस इजेक्शन फ्रैक्शन का पता अपन किस टेस्ट से लगाते हैं डियर, दैट इज इको कार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से अपन इसका पता लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो या आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, रटना नहीं, इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, कितना पंप किया, कितने में से पंप किया, तो कितना था 120 था, उसमें से पंप कर दिया 70, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से अपन परसेंटेज निकालते हैं डियर, तो ये परसेंटेज वैल्यू कहलाता है। और ये किसका परसेंटेज वैल्यू होता है डियर, इट इज परसेंटेज वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान आपको ये रखना डियर। नेक्स्ट, ये हो गया आपका इकोकार्डियोग्राफी, तो इसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं डियर। पांचवा जो टेस्ट होता है दैट इज एएनपी एंड बीएनपी। चूंकि प्रीलोड बढ़ रहा है तो एएनपी और बीएनपी जो है हार्मोन, जो है कार्डियक हार्मोन कहलाते हैं, वो रिलीज होते हैं हार्ट के द्वारा, और वो बीपी को जो है क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाने का जो है काम, सॉरी कम करने का काम करते हैं। तो एएनपी और बीएनपी रिलीज होते हैं डियर कब, जब प्रीलोड इंक्रीज होता है। तो इनको अपन इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे जब इनको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा डियर। तो अभी ये ध्यान रखना, एएनपी होता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड और बीएनपी होता है बी टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो ये एक ऐसे पेप्टाइड्स होते हैं जो कौन रिलीज करता है, हार्ट रिलीज करता है। जब हार्ट के मसल ओवर स्ट्रेच होती है, जब प्रीलोड बढ़ता है, उस कंडीशन में एएनपी और बीएनपी क्या होते हैं, बॉडी में रिलीज होते हैं डियर। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है डियर, तो ध्यान रखना, इट इज पल्मोनरी एडिमा। लंग्स के अंदर एडिमा डेवलप होना मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट फेलियर का, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को डिस्निया होगा। क्या होगा डियर, डिस्निया डेवलप हो जाता है। देन व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो क्या होगा डियर, रीनल फेलियर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो हार्ट जब ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो aorta में ब्लड नहीं जाएगा, और aorta में ब्लड नहीं जाएगा तो किडनी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और किडनी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो किडनी सेंस करेगी कि यहाँ पे क्या हुआ, फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ है, तो वो फ्लूड को बचाना स्टार्ट कर देगी। तो क्या होगा, यहाँ पे रीनल फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रीनल फेलियर की वजह से लेट कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए किसका, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, तो ध्यान रखना, इट इज ओलिग यूरिया, यानी यूरिन का आउटपुट 500 ml से जो है एक दिन में कम हो जाता है, दैट कंडीशन इज ओलिग यूरिया एंड इट इज लेट साइन और कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर डियर। तो ध्यान रखना, प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन क्या होता है डियर, इट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एडिमा, और रीनल फेलियर जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। और अब सबसे लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे डियर, और ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब आपने किया है नहीं किया है कोई इश्यू नहीं है, अगर अच्छा लगता तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो जो थंब का साइन होता है वीडियो के नीचे, तो उसको लाइक कर देना, अभी लाइक कर दीजिए आप लोग। यस डियर, तो आगे बढ़ते हैं, अपने चैनल का नाम होता है नर्सेस टेक ऑनलाइन, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं डियर। अब बात करते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है डियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। तो चूंकि पर्सन के अंदर क्या हो रहा है डियर, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है सप्लीमेंट देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। सेकंड बात करते हैं डियर,
सेकेंड बात करते हैं विच इज ड्रग ऑफ चॉइस। यस, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है हार्ट फेलियर की? अगर एक्यूट हार्ट फेलियर है, एक्यूट हार्ट फेलियर है या फिर क्रॉनिक हार्ट फेलियर है। तो एक्यूट का मतलब अचानक से डेवलप होना और क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म से डेवलप हो जाना। सच एज जैसे डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर में हम लोगों ने डायबिटीज़ नहीं लिखा, बट डायबिटीज़ भी प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। तो सोचिए किसी पर्सन को डायबिटीज़ और धीरे धीरे जो क्रॉनिक फेज के अंदर उसको हार्ट फेलियर डेवलप होगा। और एक्यूट का मतलब होता है अचानक से हार्ट फेलियर, जैसे MI आया, हार्ट अटैक आ गया, उसकी वजह से एक्यूट हार्ट फेलियर हो जाना। तो एक्यूट हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज रेमिप्रिल। यस डियर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अपन ने हाइपरटेंशन में डिटेल से पढ़ी थी। तो रेमिप्रिल क्या होती है डियर? इट इज ACE inhibitor होती है डियर। अगर ये ऑप्शन इनमें नहीं मिले तो ये ऑप्शन में मिलेगा ACE inhibitor। ACE inhibitor के अदर एग्जांपल आते हैं, कैप्टोप्रिल आता है, एनालाप्रिल आता है, रेमिप्रिल आता है, ये सभी एग्जांपल प्रिल वाले जो एग्जांपल है वो क्या आते हैं डियर? ACE inhibitor में आते हैं। सेकंड, क्रोनिक हार्ट फेलियर है उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है दैट इज डिजोक्सिन। और डिजोक्सिन पे मैंने पहले वीडियो बना रखा है, पुराना वीडियो है, उस कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, बट उसमें भी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट, ऐसा नहीं है कि गलत है, बट इन्फॉर्मेशन उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो यहाँ पे बनाने वाला हूँ। आगे आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ में। यस डियर, तो डिजोक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, ड्रग ऑफ चॉइस होती है डिजोक्सिन। यस डियर, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, दैट इज बीटा ब्लॉकर्स दिए जा सकते हैं डियर, ध्यान रखना अपन को। इसके अलावा बात करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ तो डाई यूरेटिक्स दी जाती है डियर, ध्यान रखना। डायरेटिक्स क्या करेगी? डिक्रीज करेगी डियर एडिमा को क्या करेगी डियर? डिक्रीज करेगी। किसके थ्रू? वाया इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट बढ़ा करके एडिमा को डिक्रीज करेगी डियर, ध्यान रखना यहाँ पे पॉइंट। और जो डायूरेटिक ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है डियर? ड्रग ऑफ चॉइस तो बात कर ली, डायूरेटिक ऑफ चॉइस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे फास्ट डायूरेटिक देते हैं, दीज आर लेसिक्स। लेसिक्स का दूसरा नाम क्या होता है डियर? फ्यूरोसेमाइड इज ऑल्सो नोन एज लेसिक्स। इसके अलावा लेसिक्स अवेलेबल नहीं है तो सेकेंड चॉइस होती है डायरेटिक में, दैट इज थायाजाइड्स। क्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड आर सेकेंड चॉइस। प्राइमरी चॉइस कौन हो जाएगी आपकी? लेसिक्स हो जाती है जो कि फास्ट डायरेटिक का काम करती है डियर। तो ये सभी जो है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में की जा सकती है डियर, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर MI हुआ है तो MI का ट्रीटमेंट भी शामिल। सपोज कीजिए कि मोस्ट कॉमन कारण बताया अपन ने, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हार्ट फेलियर हुआ है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का भी ट्रीटमेंट इनके साथ में अपन करेंगे, और वो ऑलरेडी अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं डियर, तो ध्यान रखना। देन नेक्स्ट बात करते हैं डियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट को पोजीशन कौन सी दी जाती है डियर? वेरी इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन पॉइंट है। तो सबसे पहला बात, कौन सी पोजीशन देंगे डियर? वेरी इंपॉर्टेंट, हाई फाउलर पोजीशन देंगे या फिर ऑर्थोपनिक पोजीशन देंगे। ऑर्थोपनिक का मतलब होता है डियर ऑलमोस्ट सिटिंग पोजीशन। और हाई फॉलोअर का मतलब होता है डियर 75 से 90 डिग्री के बीच में जो है पोजीशन अपन देते हैं, दैट इज हाई फॉलोअर पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो हाई फॉलोअर पोजीशन दी जाती है, एक क्वेश्चन तो ये, और एक बार जो है एम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि हाई फॉलोअर पोजीशन देने का क्या कारण होता है डियर, तो ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन पॉइंट, क्यों दी जाती है हाई फॉलोअर पोजीशन, तो ध्यान रखना, वॉट इज द रीजन टू गिविंग हाई फाउलर पोजिशन, तो क्या कारण होता है? इट डिक्रीज रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं डिक्रीज प्रीलोड ऑफ द हार्ट।
हार्ट का प्रीलोड ये कम करती है या फिर रिटर्निंग ब्लड का वॉल्यूम है वो कम कर देती है। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना डियर। हाई फाउलर पोजिशन किस में देंगे? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। जबकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर अपने पढ़ी थी, जैसे कि एंजाइना पढ़ा था, MI पढ़ा था, उसमें कौन सी पोजिशन देते थे? सेमी फाउलर देते थे। इसमें कौन सी देंगे? हाई फाउलर। ये ऑप्शन में नहीं मिले तो ऑर्थोपनिक पे चले जाना। देन सेकंड, ये पोजीशन देने से क्या फायदा है? व्हाट इज द रीजन टू गिविंग दिस पोजीशन? तो ध्यान रखना, इट डिक्रीज रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट। ब्लड में जो रिटर्निंग ब्लड है उसका अमाउंट ये क्या कर देती है? कम कर देती है। या फिर इसी को इनडायरेक्टली बोल सकते हैं अपन, इट डिक्रीज प्री लोड ऑफ द हार्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्टार मार्क आप इस पर लगा लेना डियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन सेशन, ठीक है? तो अभी आपके लिए क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना अगर आपने आज का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है डियर। तो क्वेश्चन, ऑल आर साइन ऑफ राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। यस डियर, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक को छोड़ करके, यानी इनमें से एक को छोड़ करके सभी जो है राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन है, तो वो कौन सा है छोड़ करके? तो ध्यान रखना, राइट साइड में कौन सा कंजेशन होता था डियर? सिस्टमिक कंजेशन। कौन सा होता था? सिस्टमिक कंजेशन डेवलप होता था डियर। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, तो अब आप इसमें से बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा सिस्टमिक कंजेशन में नहीं होता। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, पहचानना आपको जरूरी है, अच्छे से इसको पढ़ना है क्वेश्चन को, तभी इसका आप आंसर दे पाएंगे डियर। तो आशा करता हूँ आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और डियर, अपना जो इसी चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पे मैं इन टॉपिक को जो पढ़ाता हूँ उनकी PDF भी शेयर करता रहता हूँ रेगुलर, और अदर क्वेश्चन सेशन भी वहाँ पर अपन लेंगे। तो अगर आप ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सर्च करिए टेलीग्राम के ऊपर जाकर के, नर्सेस टेक ऑनलाइन को या तो सर्च कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। कई लोगों के पास जो है लिंक नहीं खुल पाता क्योंकि उनका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है, तो उस केस में आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जा करके नर्सेस टेक ऑनलाइन को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी अगर ये चैनल भी नहीं मिल रहा आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करिए, मैं आपके नंबर को डायरेक्ट जो है इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऐड कर दूंगा डियर, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अपने चैनल का नाम क्या है डियर? नर्सेस टेक ऑनलाइन। और इसके साथ में आज इतना ही पढ़ेंगे, और आज की जो अपनी लास्ट थॉट है वो क्या है? ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।